इधर तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी झूठ है, हम जब ये बात बोलते हैं तो आप में से चंद लोग गुस्से में आते हैं। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसा कैसे बोला, मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर एक तरफ और प्राइम मिनिस्टर का बाप यहां बैठा वो भी झूठ। कांग्रेस अध्यक्ष के इस विवादित बयान पर विवाद बढ़ना तय है। एमपी छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं लेकिन राजस्थान और तेलंगाना में अभी बाकी, लिहाजा बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बना सकती है। इसीलिए मोदी झूठ है, हम बोले तो आप चंद लोग उनके गुस्से में आते हैं। ए प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोले, अरे प्राइम मिनिस्टर का एक तरफ, प्राइम मिनिस्टर का बाप यहां बैठा, उन्हें भी झूठ, उन्होंने भी बोला मैं ये करता हूं वो करता हूं। और आइए देखते हैं मतदान से जुड़ी 20 खबरें। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में कुल 70% के आसपास मतदान, धमतरी में सबसे ज्यादा 89% पहुंचे। रायपुर में मतदान करने के लिए वोटर ऑस्ट्रेलिया से पहुंचा, उत्तर विधानसभा क्षेत्र में किया मतदान। बलरामपुर में मतदान के लिए 10 किलोमीटर पैदल चले लोग, पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग पैदल चलकर पहुंचे मतदान केंद्र। जांजगीर चांपा जिले में मतदान को लेकर उत्साह, 101 वर्ष के बुजुर्ग ने डाला वोट। कलारी विधायक द्वारकाधीश यादव ने परिवार समेत किया मतदान, छत्तीसगढ़ में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा। रामपुर विधानसभा के कोरकुंग गांव के मतदाताओं में दिखा उत्साह, तेज धूप में घंटों खड़े रहे मतदाता। मुंगेली में दिखी लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर, विवाद के बाद एक साथ दिखे प्रत्याशी, कांग्रेस बीजेपी जोगी कांग्रेस प्रत्याशी दिखे एक साथ। सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग में की वोटिंग, 75 पार कर किया दावा, पाटन से कांग्रेस के हैं उम्मीदवार। दुर्ग में सीएम का सहज अंदाज, वोटिंग के लिए कतार में अपनी बारी का किया इंतजार। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने किया मतदान, लोगों से की वोट डालने की अपील, अंबिकापुर से उम्मीदवार। अरुण साव ने किया मतदान, शेफर्ड स्कूल पहुंचकर मतदान केंद्र में किया मतदान, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जीत का भी किया दावा। सूरजपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने भी मतदान किया, बीजेपी की जीत का किया दावा। गरियाबंद के घोर नक्सल क्षेत्र में जबरदस्त वोटिंग, संवेदनशील क्षेत्र में 80% मतदान। मतदान खत्म होने के बाद बीजेपी कांग्रेस दोनों ने किया जीत का दावा, सीएम भूपेश बघेल 75 पार के दावे पर कायम। रायपुर में पद्मश्री मदन चौहान ने राजतालाब बूथ पर डाले वोट, सूफी गायक और संगीत के बड़े साधक हैं मदन चौहान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।